अब बहुत सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कि पहला कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमिनिटी। जो वर्ड है इंडेमिनिटी, इसका मतलब होता है टू कंपनसेट, यानी कि किसी भी डैमेज या किसी भी लॉस के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देना। ठीक है, तो इंडेमिनिटी का मतलब हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज और लॉस, राइट? या फिर हम कह सकते हैं टू कंपनसेट, किसी भी लॉस या डैमेज के प्रति कोई प्रोटेक्शन देना या उसको कोई भी लॉस हो जाए तो उसको कंपनसेट करना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 124 में डिफाइन करी गई है। इसका मतलब होता है अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर। एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रोमिस करती है कि अगर कोई भी लॉस हुआ तो वो उसे उससे सेव करेगी। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ। अब वो कौन करेगा लॉस? बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, या तो जो प्रोमिस कर रहा है उसी से ही कोई लॉस हो जाता है या फिर किसी और पर्सन से। इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये सेक्शन 124 में डिफाइंड है। आप इसका अगर एग्जाम्पल लोगे तो हम कह सकते हैं कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, हमें इंश्योर करती है, हमें बोलती है, प्रोटेक्शन देती है किसी भी डैमेज या लॉस के अगेंस्ट। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि इंश्योरेंस कंपनी किसी भी एक्स पर्सन ले रहे हैं, हम किसी भी एक्स पर्सन को प्रोटेक्शन दे रही है किसी भी लॉस के अगेंस्ट, जैसे कि जैसे गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ठीक है, तो अगर लॉस हो जाता है कोई भी गुड्स को फायर से तो इंश्योरेंस कंपनी इसको कंपनसेट करेगी। तो हम कह सकते हैं कि एक्स पर्सन और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार हम लोग प्रेजेंटेशन में गलती कर जाते हैं, जैसे कि आप जब भी क्वेश्चन आता है कोई भी किसी भी चीज का, तो जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पूछा गया है तो सबसे पहले आप उसका इंडेमनिटी के बारे में हल्का सा जैसे डिफाइन कर दिया कि क्या चीज होती है, उसका मतलब क्या होता है। सेकेंड आपने उसकी डेफिनेशन लिख दी। थर्ड आपने उसके एक एग्जाम्पल लिख दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को डिवाइड करके अगर आप लर्न करोगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस तरीके से हम आंसर को प्रेजेंट करें। अब इसमें फोर्थ बात आती है, इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होंगी। एक तो वो होगा इंडेमनीफायर, जो कि इस एग्जाम्पल में अगर आप लो प्रोमिसर कौन है, प्रोमिसर इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, और दूसरी पार्टी बोली जाती है इंडेमनीफी, या हम कह सकते हैं इंडेमनीफाइड, प्रोमिसी होता है। ठीक है, जो कि इस एग्जाम्पल में आप कह सकते हो एक्स पर्सन। ठीक है, तो एक इंडेमनीफायर होता है, एक इंडेमनीफाइड, या फिर आपको कहीं जगहों पे लिखा मिलेगा इंडेमनीफायर, सॉरी इंडेमनिटी होल्डर, या तो इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड बोल सकते हैं हम प्रोमिसी को, जैसे इस एग्जाम्पल में जो पर्सन। अब थोड़े से एसेंशियल्स आ जाते हैं कि क्या क्या एसेंशियल्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमें चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट में होनी जरूरी है। सबसे पहले तो जरूर कोई लॉस होना चाहिए। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस सबसे एसेंशियल है, एसेंशियल है एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस। अगर कोई लॉस होगा ही नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट का फायदा क्या है, ना कोई लॉस के लिए ही प्रोटेक्शन दी जा रही है। जैसे यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी एक्स पर्सन को प्रोटेक्ट कर रही है किसी भी लॉस से, तो जो वो लॉस है उसका एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सिर्फ दो चीजें, ये सिक्स पार्ट है, क्या क्या चीजें कवर करती है, कवर्स ओनली, क्या क्या चीजें ये कवर करती है, लॉस कॉज्ड बाय, जैसे हमने डेफिनेशन भी पढ़ा, कौन कॉज करेगा लॉस, या तो प्रोमिसर हिमसेल्फ या फिर एनी अदर पर्सन। अगर इस केस में जैसे हमने एग्जांपल लिया, अगर एक्स जो भी पर्सन है वो अपने गुड्स को खुद ही जला रहा है तो उसको उस लॉस में कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी, इसीलिए वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सिर्फ वही लॉस इंक्लूड करेगा, या तो वो लॉस प्रोमिसर ही कर रहा है, या तो इंश्योरेंस कंपनी ने ही कोई लॉस कर दिया या फिर कोई अदर पर्सन। यहाँ पे प्रोमिसी का कंडक्ट या एक्ट इंक्लूड नहीं होगा। इसमें एक और चीज इंक्लूड नहीं होगी, सेवन पॉइंट है, डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं कर रहा, लॉस बाय प्रोमिसी। और एक और चीज इंक्लूड नहीं करता जो कि है एन एक्ट ऑफ गॉड, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, जो भी एक्ट ऑफ गॉड है वो इंक्लूड नहीं होंगे, और कोई भी लॉ जो प्रोमिसी ही कर रहा है अपने अपने लिए ही,
अपने पर ही, तो वो लॉस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कवर नहीं होती। ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जिसको मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है।